नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, नीतीश कुमार जनता दरबार में कई जिलों से फरियादी अपनी शिकायत और समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार उन सभी की समस्याओं को सुन भी रहे हैं और उनका निष्पादन भी ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। लेकिन एक फरियादी ऐसा पहुंचा जो नीतीश कुमार से ही बकझक करने लगा। बकझक अगर सरल शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार उसको बार बार उठकर जाने के लिए कह रहे थे और ये कह रहे थे कि आप अपनी समस्याओं को विस्तार से जाकर के अन्य अधिकारियों को बताएं जो कि समस्याएं विस्तृत रूप से सुनते हैं। लेकिन वो फरियादी उठने को तैयार नहीं था और बार बार नीतीश कुमार के कहने पर भी वो इतना बोल रहा था, इतना कुछ बता रहा था, कुछ ना कुछ तो वो कह रहा था। नीतीश कुमार के अधिकारियों के बारे में कह रहा था, अपनी समस्या के बारे में कह रहा था और ये भी कह रहा था कि अगर आए हैं कहने के लिए जनता दरबार में तो कह के ही जाएंगे। इस बीच माहौल कितना गर्म हो गया वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और माहौल जो है न सिर्फ गर्म हुआ बल्कि उस व्यक्ति को अधिकारियों ने घेरा, व्यक्ति को अधिकारियों ने वहां से ले जाने की कोशिश की, बावजूद उसके वो नहीं गया। वो सारा माहौल आप देख लीजिए। जगतपति चौधरी क्या मामला है? परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कार्रवाई करें। माननीय जगतपति चौधरी तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो अभी तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी कोसी प्रमंडल सहरसा है सर, माननीय उच्च न्यायालय पटना परीक्षा नियंत्रक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के आदेश माननीय वरीयतम शिक्षक की जगह कनीय और प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक एकदम खुलिया पैसा और वरीयत के बल पर चयन करते थे। इससे मेरे अधिकार का प्राइवेट जब मेरे अधिकार का जब मेरे अधिकार जब खनन हुआ शिक्षा का चयन कहाँ के बारे में बता रहे हैं? मधेपुरा के बारे में। जब मेरे अधिकार का ये पंचायत के लेवल पर, नगर निकाय के लेवल पर, किस लेवल पर था? जिला लेवल पर सर, शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्त नगर निकाय के ऊपर किस लेवल जिला लेवल नियोजन नहीं। अरे केंद्र नियोजन के पद से हमको गलत तरीके से हटाकर शिक्षा को पूरी बात सर 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 एक मिनट सर हमको गलत हम समझ गए पूरी बात सर आपको दर्जनों और आपके पदाधिकारियों को आवेदन पत्र समर्पित किए परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। एक मिनट, आवेदन पत्र समर्पित कार्रवाई नहीं होने से कोई कार्रवाई नहीं होने से यही बात पूरा डिटेल बताइए ना वहाँ एक नहीं होने से कोई कार्रवाई नहीं होने से इधर उधर मत कर भाई। अभी हम बात रख रहे हैं, यहाँ आए हैं बात रखने के लिए। आप उधर क्या बात कर रहे भाई? अरे आपको भेज रहे हम शिक्षा में। अभी हम अपने स्तर से हमारी कार्रवाई ठीक है बात सर। अगर अगर आप अपने स्तर से कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो परीक्षा विभाग और केंद्र अधीक्षक का इस बिहार में कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगा सर। एकदम घोर अन्याय है सर। आपको और आपके पदाधिकारी को आवेदन पत्र देने पर नहीं कार्रवाई होने चाहिए सर। सर भाषण हम नहीं दे रहे हैं, आप जो कोई नेता
प्रणाम सर। तो देखा आपने, काफी गर्म माहौल बना दिया। इस फरियादी ने हटने को तैयार नहीं था, जबकि नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे थे कि अपनी समस्याएं आपने बता दी हैं, हमने सुन ली हैं, अब आप इसको विस्तृत ढंग से जाकर के वहां बगल में बताइए, अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, आपकी समस्याओं को विस्तृत ढंग से सुनेंगे। लेकिन वो फरियादी वहां से नहीं हट रहा था और बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा था कि अगर आए हैं जनता दरबार में समस्या सुनाने तो सुनाकर जाएंगे। लगातार नीतीश कुमार को जनता दरबार में फरियादी पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे में ही कुछ फरियादी ऐसे पहुंच जा रहे हैं जो कि अपनी समस्याओं को रखते रखते काफी भावुक हो जा रहे हैं। तो इस फरियादी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये फरियादी लगा वहीं पर बकझक करने, जिसके बाद अधिकारियों को बीच बचाव करने आना पड़ा, उसे घेर लिया गया ताकि वो और भी कई बातें ना कहे, और भी कुछ बातें ना कर पाए, और वहां माहौल जो है वो पूरा गर्म होता दिख गया। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।